कोई साधारण है। अरे तो हम क्या करें, हम लोग उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिया ना। और उसका उसका उमरवा कम था तो उसको कौन बना दिए? एमएलए मंत्री, इसके पिताजी बना दिए। और उसके बाद उनको छोड़ करके आया, हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया तो आज गया है, रोज पार्टी बदला है, उसका कोई मतलब है? नीतीश कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे, जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे, तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीति में आने का काम किया और लवकुश का समीकरण बनाकर सारा लोग जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे नीतीश कुमार मेरे पिता को क्या सम्मान देंगे, वो जब हाफ पैंट पहन करके घूम रहे होंगे तब हमारे पिता सेना में काम किए हैं और हमारे पिता ने तीन तीन युद्ध लड़ा है, अरे वो होते कौन है? नीतीश कुमार की हैसियत क्या है मेरे पिता के सामने? कुछ इस तरह से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को जवाब दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह सुबह जो है सम्राट चौधरी पर बड़ा बयान दे देते हैं, उनके पिता पर बड़ा बयान देते हैं, शकुनी चौधरी पर कहते हैं कि सम्राट चौधरी के पिता को इज्जत कौन दिया, हमने ना, सम्राट चौधरी को नेता किसने बनाया, हमने ना, उनकी औकात क्या है? अब इस पर जब सवाल पूछा गया सम्राट चौधरी से तो सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश कुमार सबको भूलते जाते हैं। जिस लव कुश समाज ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, जिस लव कुश समाज ने इनके ऊपर इतना भरोसा जताया, ये उसे गए हैं और आज ये मेरे पिता के बारे में कह रहे हैं। ये मेरे पिता को जानते हैं क्या है? ये जब हाफ पैंट पहनकर घूमते होंगे तब मेरे पिता सेना में थे, मेरे पिता तब युद्ध लड़े थे, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। इतना ही नहीं, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहते हैं कि आज ये जाकर तेजस्वी यादव की गोद में बैठ गए और हमारे समाज को भूल गए, यानी लवकुश को भूल चुके हैं जिसने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। ये अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना रहे हैं, ये लालू प्रसाद यादव के भरोसे पल रहे हैं। क्या कुछ सम्राट चौधरी नीतीश कुमार को कह रहे हैं और उनके पिता पर दिए गए बयान का किस तरह से जवाब दिया है वो सुनवा। ये बिहार की जनता का संकल्प है, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, जनता ने तय कर लिया है कि आपको उखाड़ कर फेंक देना है। लालू जी से मिल जाइए, किसी से मिल जाइए, राहुल गांधी से मिल जाइए, जनता जब संकल्प ले चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आपको उखाड़ कर फेंकना है। और आप कह रहे हैं, अरे आपको तो लालू यादव कितना कुटवाए थे याद है ना, गरौल में लालू यादव जी को, लालू यादव जी के गुंडों ने किस तरह नीतीश कुमार जी को पीटने का काम किया था, ये उनको याद करना चाहिए। और लवकुश समाज ने नीतीश कुमार जी को प्रतिष्ठा देकर मुख्यमंत्री बनाया, लवकुश समाज ने गद्दी तक पहुंचाया और ये किसी के नहीं हुए, अब किसके हुए? लालू प्रसाद जी के बेटे के हुए। लालू प्रसाद जी को बेटा को उत्तराधिकारी माना, आप मानते रहिए, बिहार की जनता इसका हिसाब करेगी। जातीय गणना के बाद अचानक से आप पर हमला, आपके परिवार पर हमला, देखिए ये लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाहते थे। लालू यादव को मैंने कहा कि लालू यादव कैंसर है राजनीति के, उनको उखाड़ कर फेंकने का काम भाजपा करेगी। अब नीतीश जी को लग रहा है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। अरे बिहार की जनता तय कर चुकी है, नीतीश बाबू नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, आप कहीं दिखने वाले। आपके पिता को सम्मान उन्होंने सबसे ज्यादा दिया। अरे नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे? नीतीश कुमार जी मेरे पिताजी से 20 साल छोटे, नीतीश कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे, जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे, तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीति में आने का काम किया और लवकुश का समीकरण बनाकर सारा लोग जानता है कि लवकुश समाज ने नीतीश कुमार को आगे पहुंचाया। और नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे? नीतीश कुमार को देने की हैसियत है क्या? नीतीश कुमार क्या देंगे? नीतीश कुमार को जनता ने दिया और जनता ही उनको उखाड़ कर फेंक देगी।